जब हम कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो हमने ये देखा कि हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं और वही कीवर्ड रिसर्च करने के बाद हम ग्रुप्स बनाते हैं और ग्रुप्स को हम अपने कंटेंट में यूज करते हैं। लेकिन गूगल सिर्फ आपके कीवर्ड्स को ही नहीं देख रहा होता, वो पूरे कंटेंट को देख रहा होता है। इन पूरे कंटेंट में हमने सिर्फ अपने कीवर्ड्स यूज नहीं करने। अच्छी एसईओ तब होती है जब आप कीवर्ड्स यूज करते ही हैं जो कि प्रोमिनेंटली हमने डेंसिटी उसकी मेंटेन करनी है, लेकिन आप अपने कीवर्ड्स को सपोर्ट करने के लिए कुछ रिलेटेड वर्ड्स भी यूज करते हैं। वो रिलेटेड वर्ड्स बेसिकली LSI वर्ड्स कहलाते हैं। LSI का मतलब लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स। ये बेसिकली इंग्लिश की एक रिटर्न जो है ये एल्गोरिथम है कि वो जब गूगल मैयर करता है आपको, वो इस बात को अंडरस्टैंड करता है कि किस तरह से आपने एक चीज की बात की और उस चीज से दूसरी चीज जुड़ी हुई है। सो लोग LSI को यानी कि लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स इन वर्ड्स को कंफ्यूज करते हैं सिनोनिम्स के साथ। सिनोनिम्स का मतलब डिफरेंट है। सो फॉर एग्जांपल हमारे मोबाइल स्टोर की एग्जांपल में मैं अगर मोबाइल मार्केट प्लेस या मैं मोबाइल स्टोर की जगह अगर मैं मोबाइल मार्केट प्लेस लिखूं तो वो सिनोनिम के तौर पे काउंट हो सकता है कि एक वर्ड की जगह दूसरी वर्ड जगह ले सकता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ मोबाइल फोन्स की बात करूं तो साथ जब आप बात करते हैं मोबाइल फोन की तो गूगल इतना अंडरस्टैंड करता है कि अगर आप मोबाइल फोन्स की बात कर रहे हैं तो उसमें एंड्रॉयड की बात भी हो सकती है, उसमें iOS की बात भी हो सकती है, जब आप iOS की बात कर रहे हैं तो उसकी कंपनी यानी कि एप्पल की बात भी हो सकती है। सो ऐसे कीवर्ड्स जो नॉर्मली जो है वो एक दूसरे के साथ पाए जाते हैं उनको आप लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स वर्ड्स बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि गूगल इससे भी जज करता है कि आपका पेज किस बारे में है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप बात कर रहे हैं मोबाइल फोन्स की तो जहां पर मोबाइल फोन्स की बात हुई वहां एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर की बात हुई, वहां पर iOS की बात भी हो सकती है, वहां पर एप्पल मोबाइल फोन की बात भी हो सकती है। सो मोबाइल फोन का मतलब यह है कि वो एक सर्टेन कैटेगरी से रिलेटेड है और सर्टेन कैटेगरी में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। मोबाइल फोन से हट के हम अपेरल में बात करते हैं। गारमेंट्स में अगर आप देखें जहां कुर्ते की बात हो रही है तो वहां पजामे की बात भी हो सकती है। सो अगर आप सिर्फ कुर्ता बेच रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपने पूरे पेज के ऊपर सिर्फ कुर्ता ही वर्ड बार बार यूज करना है। आप कुर्ते के साथ आप गारमेंट्स लिख सकते हैं, आप पजामा लिखेंगे तो वो कुर्ता पजामा एक सेंस बनेगी। गूगल को ये समझने में आसानी होगी कि ये कुर्ता जो बात हो रही है इसमें किस तरह की या किस चीज की बात हो रही है। एक और बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है जिसको बोलते हैं जावा। सो जावा अगर आप लिखे हैं तो जावा बेसिकली इंडोनेशिया में एक आइलैंड का नाम भी है, जावा एक लैंग्वेज भी है जिसको जावास्क्रिप्ट या जावा दोनों बोलते हैं, और फिर जावा कॉफी भी है जो कि लोग पीते हैं। सो जावा जब कोई लिखे तो गूगल कैसे अंडरस्टैंड करे कि जावा लोगों ने कौन सा सर्च किया है। सो बेसिकली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गूगल बाकी वर्ड्स को भी देखता है। जब आप जावा लिखेंगे अगर वो आइलैंड की बात हो रही है तो आप टूरिज्म भी लिखेंगे, जब आप टूरिज्म लिखेंगे तो गूगल समझ जाएगा कि ये जावा बेसिकली इंडोनेशिया में जो एक जावा आइलैंड है उसकी बात हो रही है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल जावा के साथ लैंग्वेज बात करेंगे, कोडिंग की बात करेंगे, प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो गूगल ये समझ जाएगा कि ये जो जावा है ये बेसिकली जावा लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की एक लैंग्वेज है जिसमें प्रोग्राम लिखे जाते हैं। और इसी तरह से अगर आप जावा के साथ कॉफी की बात करें, पीने की बात करें तो गूगल समझ सकेगा कि जावा जो है ये कॉफी वाला जावा है ना कि कोई और जावा है। सो हमने ये मेक श्योर करना है कि अगर हम मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं तो हम कोशिश ये करें कि हम उससे मिलते जुलते LSI कीवर्ड्स भी निकालें और जो है ना उनको हम उन पेजेस के ऊपर यूज करें। मुझे पता है आप ये पूछेंगे कि LSI कीवर्ड्स निकालते कैसे हैं। सो मैं आपके लिए उसके लिए भी एक हमने टूल ढूंढा हुआ है जो मैं चाहूंगा कि अगर आप उसको यूज करेंगे तो आप LSI कीवर्ड्स उसमें से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मोबाइल फोन लिखूं तो कुछ इस तरह से LSI कीवर्ड्स निकलते हैं। इस टूल का नाम LSI ग्राफ है, ये एक पेड टूल है लेकिन ये कुछ फ्री सर्चेस देता है। इसके अलावा आप और भी टूल्स यूज कर सकते हैं लेकिन मैं आपको लाइव डेमो इसी टूल का भी दिखाता हूं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि किस तरह से आप इस टूल को यूज करते हुए रिलेटेड कीवर्ड्स यानी कि LSI कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने LSI ग्राफ की वेबसाइट विजिट की है। आप ये वेबसाइट विजिट कर सकते हैं lsigraph.com से, और जब मैं इसके ऊपर जाऊंगा तो मैं यहाँ पे अपना कीवर्ड लिखूंगा जो कि मोबाइल फोन है। आप यहाँ पे जो भी कीवर्ड लिखेंगे उसके अगेंस्ट वो आपको सर्चेस दिखाएगा कि कौन से रिलेटेड कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। इसका मैं वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर क्लिक करूंगा। जब आप इसको वेरीफाई कर लेंगे तो आप यहाँ से जनरेट का बटन प्रेस करेंगे तो वो मोबाइल फोन के अगेंस्ट एक एनालिसिस करेगा और वो आपको बताएगा कि इस वर्ड के साथ नॉर्मली और कौन कौन से वर्ड यूज हो सकते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर मैंने मोबाइल फोन लिखा तो वो मुझे
पॉसिबली LSI कीवर्ड दिखा रहा है जिसमें हाउ टू मेक अ मोबाइल, सैमसंग मोबाइल, सैमसंग फोन, मोबाइल फोन्स फॉर सेल, चीप मोबाइल्स, मतलब डिफरेंट वर्ड जो ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ यूज होते हैं वो सब दिखा रहा है। अगर आप इसको स्क्रोल करते जाएंगे तो काफी आपको डिटेल्स में ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो आप कोशिश ये करें कि जब आप कोई पेज पे मोबाइल फोन के अगेंस्ट ऑप्टिमाइज कर रहे हैं वो पेज, तो उसमें ये वर्ड्स भी यूज करें। जैसे कि आपने देखा कि LSI ग्राफ के जरिए मैंने रिलेटेड वर्ड्स निकाले जो कि LSI कीवर्ड्स कहलाते हैं, और मैं अगर अपना पेज मोबाइल फोन के अगेंस्ट ऑप्टिमाइज करूंगा तो मैं चाहूंगा कि मैं इन कीवर्ड्स को भी यूज करूं ताकि गूगल को ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि अगर मैं मोबाइल फोन्स की बात कर रहा हूं तो मैं मोबाइल फोन से रिलेटेड और भी वर्ड्स उस पर यूज कर रहा हूं। ये नेचुरल बिहेवियर में भी ऐसा ही होता है और गूगल भी यही चाहता है कि अगर आप इसको बिल्कुल नेचुरल वे में ऑप्टिमाइजेशन करें तो वो भी आपको पसंद करेगा, वो भी आपको पिनलाइज या पेनल्टी नहीं डालेगा, क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर आप ज्यादा जोर लगाएंगे, अगर आप जबरदस्ती करेंगे कंटेंट में कीवर्ड डालने की, तो हो सकता है कि वो आपको पसंद ना करे और वो आपको पिनलाइज करे, यानी कि आपकी रैंकिंग ड्रॉप कर दे। सो आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप कोई भी कीवर्ड यूज करें उसके आप LSI वर्ड्स भी निकाल लें, कोई भी आप फ्री टूल यूज कर सकते हैं और उस तरह से आप LSI वर्ड्स यूज करके अपने पेज में उसको उसी तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं।